बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस स्टेशन मेट्रो विहार की टीम द्वारा दो छात्र अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। बता दें दिनांक 4 सितंबर को थाना नाई के सन्नोट गांव में गोलाबारी की घटना के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद दल के होलंबे खुर्द गांव में गोलीबारी की घटना और एक दुकानदार से 5 लाख रुपए मांगने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और पता किया कि दोनों घटनाओं को एक साथ दो व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिनके नाम विशाल उर्फ पंडित और दीपांशु उर्फ स्वामी था। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों संदिग्ध मौके से भाग गए। दो FIR धारा IPC और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए SHO NIA राजेश यादव के नेतृत्व में SI तस्वीर माथुर, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल विश्राम और हेड कांस्टेबल संजीत की एक टीम गठित की गई। संदिग्ध को पकड़ने के लिए 11 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी विशाल अपने परिवार से मिलने के लिए अपने आवास पर आया था। इसके साथ ही विशाल के पिता ने अपने बेटे से आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताते हुए पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस उसके आवास पर पहुंची और विशाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विशाल से गहनता से पूछताछ की गई, जिससे एक और सह आरोपी दीपांशु की गिरफ्तारी हुई। दोनों संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी विशाल की निशानदेही पर 6 चंदा राउंड के साथ एक पिस्तौल बरामद हुई और आरोपी दीपांशु द्वारा अपराध में इस्तेमाल की गई एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। जांच के दौरान यह पता चला कि विशाल उर्फ पंडित पहले हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन सहित 5 अतिरिक्त मामलों में शामिल था और एक आदतन अपराधी है। फिलहाल मामले में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।